हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों कैसे हो आप लोग? होप अच्छा कर रहे होगे, सब लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होगे और अभी तो अच्छी खासी स्पीड भी आ गई होगी आपके पास। देखो यार, स्पीड वगैरह जो भी आएगा ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा और प्रैक्टिस के साथ सही गाइडेंस से आएगा। सही डायरेक्शन में जाओ, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली होगा। दोस्तों आपकी क्वेरीज थी जो कि कंटिन्यू अभी भी आ रही है। क्वेरीज ये थी कि सर हमने रैबिट सीख रखा है, ऑटोकैड हमने सीख रखा है, या रेविट सीख रहा हूं, ऑटोकैड हमने सीख रखा है। अब मैं बीआईएम के लिए कैसे अप्लाई करूं, मतलब बीआईएम की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करूं, ठीक है? तो इसके लिए आपकी क्वेरीज थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कहीं पे भी बीआईएम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उनको ऐसा कुछ मॉडल्स बना के हमको दिखाना पड़ेगा कि हमको लगे कि नहीं, हमने कुछ अच्छे से रैबिट सीखा हुआ है, कुछ अच्छी तैयारी है हमारी रैबिट पे। वो कैसे हो सकता है? एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बना के। इसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको। अगर नहीं पता पोर्टफोलियो कैसे बनाना है तो मैंने, आप डालिएगा गूगल पे, इस पे सर्च बॉक्स पे डालिएगा हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो बाय आकाश पांडे, मैंने बताया हुआ कैसे पोर्टफोलियो तैयार करते हैं। पोर्टफोलियो तैयार करने से फायदा क्या होगा कि आप सामने वाले को जो अप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ रिज्यूम नहीं देख रहा है आपका, वो कागज की डिग्री नहीं देख रहा है, मतलब कि रिज्यूम प्रॉपर। उसके अलावा वो देख पा रहा है कि आपने काम किस तरीके से किया हुआ है, मतलब आपने जो मॉडल्स प्रैक्टिस किया है उसका लेवल क्या है, रेंडरिंग कैसे किया है, उसकी कॉलम्स कैसे प्रोवाइड किए हैं, कॉलम का ओरिएंटेशन क्या रखा हुआ है आपने, क्या आपने बिल्डिंग बाय लॉ फॉलो किया है, क्या आपने रेरा के रूल को फॉलो किया है, ये सारा कुछ आपके पोर्टफोलियो में दिख जाता है। इसलिए हर एक इंटरव्यूअर चाहता है कि उसको कुछ पोर्टफोलियो में सैंपल मिल जाए आपके पुराने जो भी आपने काम को सीखा है या प्रैक्टिस किया है। तो सबसे पहला काम, पोर्टफोलियो तैयार कर लो कम से कम 10 मॉडल के, मिनिमम 10, मैक्सिमम 20 भी रख सकते हो। ये पोर्टफोलियो आप पीडीएफ में रख सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा एडिटिंग का नॉलेज है तो अगर आप वीडियो प्रेजेंट फॉर्म में रख लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको? नेक्स्ट करना है कि आपको जो रिज्यूम आप मेंशन कर रहे हो, अगर आप बीआईएम की जॉब के लिए जा रहे हो और अगर आपने ऑटोकैड और रैबिट सीखा है तो टेक्निकल स्किल्स जो आप डालते हो उसमें ऑटोकैड और रैबिट को थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन किस तरीके से कर सकते हो? जैसे कि मैं बात करूं ऑटोकैड की, ऑटोकैड में आपको डालना है कि मुझे क्या आता है, आपको ड्राफ्टिंग आती होगी तो डालिए स्ट्रक्चरल एंड आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग, पहला की पॉइंट डाल दिया। दूसरा की पॉइंट उसमें डाल दीजिए आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग नॉलेज होगा आपको। तीसरा की पॉइंट डाल दीजिए 3D नॉलेज या 3D मॉडलिंग नॉलेज, हो सकता है आपको सेक्शन और एलिवेशन का अच्छा नॉलेज हो। तो चौथा आप डाल सकते हैं सेक्शन एंड एनिवेशन। अब ये चार की पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको अच्छी तरीके से आता है रैबिट के, सॉरी ऑटोकैड के अंदर। अब अगर रैबिट में बात लाऊं कि रैबिट में कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स आपको रैबिट के अंदर डालना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर अब क्वेश्चन बाहर से पूछेगा ही नहीं, आपने रैबिट के अंदर उसको की पॉइंट्स दे रखा है उसी से सिर्फ पूछेगा। तो अब रैबिट के अंदर आप क्या दे सकते हैं? रैबिट के अंदर दे सकते हैं कि आपको नॉर्मल ड्राफ्टिंग आती है, ड्राफ्टिंग के बाद 3D मॉडलिंग आती है, उसके बाद आपको आता है फैमिली क्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली क्रिएशन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक ऐसे मेंशन कर दो तो पूछेगा क्या होता है पैरामेट्रिक, क्या होता है नॉन पैरामेट्रिक। मेरे पुराने वीडियोस देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद वहां पे आप डाल दीजिए कि आपको अगर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आता है, मैंने अभी 5 पार्ट में बना के दिया है आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वो डाल दीजिए। वहां पर डाल दीजिए स्ट्रक्चरल हाउ टू क्रिएट द रीबार, तो आप वहां पे दिखा सकते हो हाउ टू क्रिएट द रीबार या हाउ टू प्रोवाइड द रीबार, ऐसा करके टेक्निकल स्किल डाल सकते हो। मतलब इतने की पॉइंट्स आप रैबिट के अंदर डाल दो कि सामने वाला इंटरव्यू में उसको समझ आ जाए कि रैबिट मतलब आपको रैबिट में ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती है। मैसिंग एंड साइट को पुट कर सकते हो। चलो, तो ये दूसरा काम हो गया कि आपने रिज्यूम अच्छी तरीके से बना लेना है। तीसरा काम, एक छोटा सा कवर लेटर बनाना है। कवर लेटर में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। हेलो सर, माय नेम इज दिस, आई कंप्लीटेड माय डिग्री इन दिस ईयर और डिप्लोमा इन दिस ईयर एंड आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस स्किल्स, यू कैन जस्ट सी माय रिज्यूमे। तो रिज्यूमे क्लिप प्लीज फाइंड अटैचमेंट करके आप नीचे बढ़िया सा रिज्यूम लगा के जो भी आपके पास नॉलेज है कवर लेटर में मेंशन करके अप्लाई करोगे तो ये तीन स्टेप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे आपको। अब आप बोलोगे सर अप्लाई कहाँ पे करें? तो अप्लाई करने के लिए यार सबसे ज्यादा आज के टाइम में अच्छा जो जगह रह गया, मतलब स्पेस है जहां पे आपको ज्यादा रिस्पांस मिल सकता है, वो है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप अगर मैक्सिमम लोगों को भेजेंगे, अब ये आप मत सोचिए कि अगर हमने 10 लोगों को भेजा तो यार रिप्लाई क्यों नहीं आया। यार 10 जिसके पास भेजा है ना उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो तुम्हारा एक ही रिप्लाई देगा, ठीक है? तो उसके लिए बुरा नहीं सोचना है। 100 भेजेंगे, 100 में से क्या होगा, एक रिप्लाई देगा, ठीक है ना? 100 में से एक की प्रोबेबिलिटी भी बुरी नहीं है। क्या करना है? कॉपी पेस्ट तो करना है 100 लोगों को,
ठीक है, तो 100 में से 100 लोगों को अप्लाई करो, एक भी अगर, मैं तो एक बोल रहा हूँ, ऐसे 5-6 तो आएंगे रिप्लाई, एक भी अगर रिप्लाई अगर आपको आता है तो वहां पे आप पॉजिटिव उसको लेके उस पर तुरंत स्टार्ट हो जाइए, मतलब कि उनसे चैट करिए, उनको बताइए कि सर मुझे ये चीज नॉलेज है, सैंपल्स उनको फटाफट भेजना स्टार्ट करिए कि देखिए ये सैंपल्स हमने बनाए हुए हैं, तो आपको धीरे धीरे वहां से क्या होगा रिस्पॉन्स मिलता है। हो सकता है उस टाइम उनके पास ओपनिंग ना हो, बट 15 दिन बाद 10 दिन बाद उनको याद आएगा कि यार सामने वाले ने एक भेजा था बहुत अच्छा लिंक्डइन पे, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, चलो चेक करते हैं यार वो क्या कर रहे हैं, तो देखते हैं, फिर मैं उसको कॉल करता हूँ कि यार क्या कर रहे हो, चलो तुम्हारे पास ये तुम्हारे लिए ओपनिंग है, जाओगे क्या? मेरा ये मेथड है और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों का यही मेथड है। लिंक्डइन तो अप्लाई किया बहुत अच्छी बात है, बट लिंक्डइन के साथ आपको क्या करना चाहिए, जहां पे आपको मिल गया कि यहां ओपनिंग है, उस कंपनी के प्रोफेशनल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे उसके कैरियर्स पे जाइए, वहां से ईमेल आईडी निकाल के उस पे भी सेम रिज्यूम दीजिए विद कवर लेटर, और अगर वही वैकेंसी आपका लिंक्डइन और सॉरी यहाँ पे नौकरी और इंडीड पे भी सेम वैकेंसी है वहां पे भी अप्लाई करके रखिए। अब क्या होगा, सामने वाला या तो तुम्हें लिंक्डइन से देख लेगा, या तो नौकरी से देख लेगा, या इंडीड से देख लेगा, या वेबसाइट से देख लेगा, चारों जगहों पे सेम आपने अप्लाई किया हुआ है, उसको भी समझ आ जाएगा कि यार बहुत इंटरेस्टेड है बंदा, इसको बहुत ज्यादा नीड है जॉब की, और जॉब हमेशा ऐसे लोगों को दी जाती है जिसको जॉब की नीड होती है, तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको मैक्सिमम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिल जाएगा इन मेथड से। उसके बाद भी अगर सच में आपको नहीं मतलब कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आना, वहां पर अपना रिज्यूमे विद कवर लेटर सेंड करना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। मतलब कि जब भी मेरे पास, अभी तो मेरे पास ओपनिंग है वैसे तो ढेर सारी, बट मैं अभी नहीं बोलूंगा आपको, नहीं तो आप फटाफट रिज्यूमे ही भेजने लगोगे। पहले आप नॉलेज इकट्ठा करो यार, मतलब मेरे पास प्रॉब्लम यह है कि मैंने कई लोगों को भेजा तो कंपनी का रिस्पॉन्स आता है कि यार वो चीज नहीं था जो मुझे चाहिए था, तो ऐसा वाला मुझे सीवी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम सॉलिड नॉलेज है आपके पास। एक दो लोगों का है, मैं इनको भेजने वाला हूँ जल्दी ही, इनको बात करूंगा उनके लिए, और ओपनिंग्स तो है मेरे पास लगभग 20+ ओपनिंग्स है। और सबसे बड़ी बात एक चीज और, चीज से फ्लेक्सिबल है ना यार आप लोग, वो चीज है इतना अगर करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई तो सेलेक्ट कर ही लेगा, और ये तो पक्का है, क्योंकि यार सब वो देख रहा है, नीड है सामने वाले को। बट एक चीज ध्यान देना, आज के टाइम में रैबिट फैमिली पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, तो रैबिट फैमिली को ज्यादा अच्छे से सीखना, क्योंकि उस पर मेन फोकस, मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी मैंने स्ट्रक्चर पे तैयार किया, लगभग 6 पार्ट किया, 4 पार्ट और करना है इसके लिए, और आर्किटेक्चर का तो मैंने पहले से लगभग 12 से 15 पार्ट कर रखे हैं, और रैबिट फैमिली पे भी मैं जल्दी ही बनाने वाला हूँ कि रैबिट फैमिली प्रॉपर कैसे क्लियर हो एकदम अच्छी तरीके से। मेरा जो भी काम होता है मैं परफेक्शन के साथ करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है हर एक काम में, बट ठीक है, जो आए देर आए दुरुस्त आए वो मेरी कोशिश रहती है। और मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि आप भी जो काम करो इतनी अच्छी साथ करो कि लगे कुछ काम आपने किया है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूंगा स्क्वायर शेयर करो, ऐसे बहुत लोगों ने किया है तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कई लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है, कई लोगों ने फेसबुक पे शेयर किया है, कई लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर किया है, थैंक यू सो मच यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप मुझे इस तरीके से हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ अपनी तरफ से, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मैंने देखा कई लोगों ने स्टेटस लगाया हुआ तो मैंने उनको थैंक यू बोला कुछ लोगों को, कुछ लोगों नहीं बोल पाए, बट देखा मैंने फेसबुक पे देखा कई लोगों ने शेयर किया है, कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया हुआ है, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और क्या बोलते हैं अगर ऐसे ही करते रहोगे तो हमारा कंटेंट कंटिन्यू आपके साथ बना रहेगा और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, कहीं पे भी कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा पैसे के लिए, इसकी गारंटी लेता हूँ। सिर्फ हमारे चैनल को आप सपोर्ट करते रहो और ऐसे ही जैसे मेरे पास टाइम मिलता है मैं तुरंत आपके पास आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।